नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर हिंसा, इस सरासर उपद्रवी अराजक तत्वों के द्वारा विपक्षी दलों, कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों के संरक्षण में किया गया एक की गई एक शरारत है। और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में और संभल में जिस प्रकार से वाहनों में आग लगा करके आगजनी करने का प्रयास हुआ है, व्यापक रूप से वहां पर तोड़फोड़ करने का प्रयास हुआ, इस प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैंने पहले दिन भी इस बात को कहा था और सभी से विनम्र अपील की थी कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, संवाद से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर दुष्प्रचार बंद करें, लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है। और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज को स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, मैं स्वयं देख रहा हूं और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू है, 8 नवंबर से निरंतर चल रही है। बिना परमिशन के कोई भी प्रदर्शन नहीं हो सकते और प्रदर्शन के नाम पर आप हिंसा करें, ये स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार की असामाजिक और अराजक गतिविधियों को कतई किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने स्वयं भी सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों के साथ स्वयं बातचीत की और सबको आवश्यक निर्देश दिए हैं कि वे उपद्रवी तत्वों को, आम जनता को कोई परेशानी न हो, आम जन के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, लेकिन उपद्रवी तत्व जहां पर भी हो सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई भी प्रारंभ करें। देखिए, अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है विपक्ष, जिसके पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है, जो अपने कृत्यों से जनता के द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। वह आज जिस प्रकार से नागरिकता कानून के नाम पर भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए लोगों को गुमराह कर रहा है, ये जानते हुए कि नागरिकता कानून किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, भारत के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देता है, भारत के अंदर आए हुए शरणार्थियों को यहां पर शरण दे करके भारत की सनातन परंपरा को आगे बढ़ाता है, उस कानून के नाम पर गुमराह करके लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करना, ये देशद्रोही कृत्य है और इस प्रकार के कृत्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की अराजकतापूर्ण गतिविधियों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, आम जन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा समीक्षा करें किस स्तर पर, कहां पर, कौन लोगों के कारण इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, खासतौर पर लखनऊ में और संभल में। संभल में भी दो सड़क परिवहन निगम की बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी, ज्ञापन देने के बाद जाने वाले उपद्रवी तत्वों ने उन पर आग लगाई है। लखनऊ में लगभग एक दर्जन वाहन, जिसमें 8 के आसपास 9 टू व्हीलर हैं और उसके बाद तीन चार जो हैं वो भी बैन है और एक रोडवेज की बस है, इसको भी आग लगाने का कृत्य किया गया है। अन्य अगर प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी जहां भी डैमेज हुई है, हम इन्हीं उपद्रवियों से इसकी वसूली करेंगे, इनकी संपत्तियों को नीलाम करके इसकी वसूली भी करेंगे।